देश में ये कानून बहुत समय पूर्व आ आना चाहिए, परंतु ठीक है कोई बात नहीं। अब जब कानून ने इस लव जिहाद ने इतना बुरा रूप धारण कर लिया है कि ये तो पराकाष्ठा को भी पार कर गए विधर्मी, इसलिए इनके विरुद्ध कानून बनना ही चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। 10 वर्ष, मुझे तो लगता है कि 10 वर्ष की सजा भी इनके लिए बहुत कम है, पूरी उम्र कैद होना चाहिए, नहीं तो बड़ा षड्यंत्र है। भारत की सीमा से लगे हुए जो देश मुस्लिम देश हैं, ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके कारण जो भारत में या अन्य देशों में जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ छल कपट से विवाह कर लेना, प्यार का लालच देकर के विवाह कर लेना, विवाहित होने के और बच्चे होने के बावजूद भी उनको धोखा देकर उनको लेकर के जाना और उनको अपने झूठ बोल करके भ्रम से पीड़ित करके और उनका जीवन बर्बाद कर देना, उनको प्रताड़ित करना, आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में इस प्रकार की बच्चियां हैं जो अपने जीवन से संघर्ष कर रही हैं। उठा करके ले जाना, जबरदस्ती शादी करवा देना और फिर उनको छोड़ देना या उनको बेच देना, ये बहुत सारे सबूत हैं जो ला करके हम आपको दिखाएंगे, पूरे देश के सामने ये चीज लाएंगे, विश्व के सामने ये चीज लाएंगे। जांच होना चाहिए, सरकार को इसकी जांच करना, गहनता से जांच होकर ही कानून बनते हैं। कोई भी सहजता से सरलता से दो चार घटनाएं होती उस पे कानून कभी नहीं बनता, वो तो अनायास कोई घटना दुर्घटना हो गई वो बात अलग होती है। प्यार पे किसी का अधिकार नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, लेकिन प्यार में जहां षड्यंत्र होता है वो बहुत बड़ा एक खतरनाक एक दुर्विचार है और इसको हम पलने नहीं देंगे। लोकसभा में भी